हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स ए टू जेड वोकैबुलरीज इंग्लिश में बताएंगे। और इस वीडियो की खास बात यह है कि स्टार्ट तो ए बी सी डी से ही होगा, लेकिन इसका जो लास्ट होगा, इंड होगा स्पेलिंग वोकैबुलरीज का, वो टी आई ओ एन बोले तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो शन होगा। ठीक है, शन। जैसा कि पहला ए फॉर अफेक्शन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ए फॉर अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव, स्नेह, प्यार होता है ना, कहते हैं यार आई हैव अ लॉट अफेक्शन विद यू, मेरा आपसे बड़ा लगाव है, राइट। नेक्स्ट बी फॉर बीन, एज अ बी फॉर बीन, बीन का मतलब होता है सेम, जो गांव में हम लोग सेम खाते हैं ना, वही होता है सेम, राइट, उसको बोलते हैं बीन। शी फॉर क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब फ्रेंड्स, क्रिएशन का मतलब रचना, निर्माण, किसी चीज का निर्माण होता है, रचना होती है, तो उसको बोलते हैं क्रिएशन। फिर हम डी फॉर बात करते हैं, डी फॉर डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, किसी चीज का हेडलाइन ऐसा, वो एक डेफिनेशन होती है, राइट। अब हम फिर बात करते हैं ई फॉर, ई फॉर इलेक्शन, इलेक्शन सभी को पता ही होगा कि इलेक्शन पड़ता है चुनाव के टाइम में, तो इलेक्शन का मतलब एक चुनाव होता है, राइट, इलेक्शन मतलब चुनाव। फिर बात करते हैं एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन का मतलब समारोह, फंक्शन का मतलब समारोह, समारोह कार्यक्रम वगैरह होता है ना, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। और फिर हम बात करते हैं जी फॉर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मतलब होता है उपाधि या प्राप्ति, किसी चीज की, जैसे पढ़ाई की आपने प्राप्ति कर लिया, आपने बीए कर लिया, तो इसका मतलब एक आपकी प्राप्ति है, उपाधि है, राइट, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है। फिर हम बात करते हैं एच, एच फॉर होता है हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट, ठीक है। फिर हम आई फॉर बात करते हैं, आई फॉर होता है इन्विटेशन, इन्विटेशन, ठीक है, आई फॉर तो बहुत कुछ होता है लेकिन आप समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आई फॉर इन्विटेशन, इन्विटेशन का मतलब आमंत्रण, आमंत्रण, निमंत्रण, राइट, इन्विटेशन होता है ना, कहते हैं यार इन्विटेशन वहां से आया हुआ है, चलना है वहां पे। इसके बाद हम बात करते हैं जे फॉर, जे फॉर जनरल स्टेशन, जनरल स्टेशन, इसका मतलब होता है पत्रिका सेंटर, राइट, पत्रिका सेंटर। अब हम बात करते हैं के फॉर, के फॉर काइंड नेशन, काइंड नेशन का मतलब दयालु राष्ट्रीय, दयालु राष्ट्रीय। फिर हम बात करते हैं एल फॉर, एल फॉर लोकेशन, लोकेशन का मतलब स्थान, प्लेस, पता ही है लोकेशन का मतलब स्थान होता है। हम बात करते हैं एम फॉर मोशन, एम फॉर मोशन, मोशन का मतलब फ्रेंड्स होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एन फॉर नेशन, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, सभी को पता होगा, नॉर्मल विकेट है ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक। अब हम ओ फॉर की बात करते हैं, ओ फॉर अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज में कहते हैं यार इसमें तो यार बड़ी यार अब्स्ट्रैक्शन है यार, बड़ी रुकावट है, क्या कैसे मैनेज किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम बात करते हैं पी फॉर प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब फ्रेंड्स होता है सुरक्षा, ठीक, जैसे आर्मी के जवान हमारे लिए एक प्रोटेक्शन लगाए रखे हुए हैं, जिससे कि हम लोगों की एक सुरक्षा हो रही है, राइट, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। फिर हम बात करते हैं कोटेशन, कोटेशन जैसा कि आप देख रहे हो, कोटेशन का मतलब होता है प्रचलित मूल्य, मतलब हिसाब से जो दाम लगता है उसको बोलते हैं कोटेशन। फिर हम बात करते हैं आर फॉर, आर फॉर होता है रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं एस फॉर सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, परिस्थिति, कहते हैं यार ये सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, मेरी परिस्थिति बड़ी खराब चल रही है, राइट, तो सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशन, टी फॉर ट्रेडिशन, टी फॉर ट्रेडिशन, इसका मतलब होता है परंपरा, सभी को पता होगा यार ट्रेडिशन का मतलब परंपरा। अब आगे देखते हैं कि यू फॉर क्या होता है, यू फॉर अनफेक्शन, इन्फेक्शन भी होता है, अनफेक्शन भी होता है, इसका मतलब संक्रमण, अनफेक्शन, संक्रमण। फिर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब टीका, कहते हैं ना टीका लग रहा है वहां पे वैक्सीनेशन, तो उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेट से वैक्सीनेशन बना हुआ है, राइट। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू फॉर वेदर, वेदर का मतलब मौसम, वेदर का मतलब मौसम। इसके बाद हम बात करते हैं जीलोग्राफी, जीलोग्राफी का मतलब क्या होता है, जीलोग्राफी का मतलब होता है लकड़ी में कला करना, जैसे बहुत सारे फर्नीचर्स में डिजाइनिंग वगैरह होती है, आपने देखा भी होगा जैसा कि, तो उसको बोलते हैं जीलोग्राफी। आगे हम बात करते हैं वाईफॉर, वाईफॉर एल्डिंग, एल्डिंग का मतलब क्या होता है, सीधा या नम्र होता है ना, सीधे स्वभाव का व्यक्ति, उसको हम वेल्डिंग बोलते हैं, जिंक, ओके, एल्डिंग। आगे हम देखते हैं जेड फॉर जिंक, जेड फॉर जिंक, जिंक का मतलब जस्ता,
उम्मीद है दोस्त इसको इस तरीके से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बना रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही विज्ञाप के साथ ले आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।